हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। दिस इज़ चैप्टर नंबर 23 फ्रॉम इंग्लिश, द स्टोरी ऑफ गौतम्स क्वेस्ट। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में तो हम सब ने सुना है, तो ये उन्हीं की स्टोरी है हम पढ़ेंगे। और क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज में, इन सर्च ऑफ समथिंग। तो गौतम किस चीज़ की खोज में थे और उन्हें कैसे निर्वाणा मिला, वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो गौतम द बुद्धा वॉज बॉर्न ओवर 2500 ईयर्स अगो, मतलब 2500 साल पहले गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था। वो बॉर्न हुए थे एज प्रिंस सिद्धार्थ, मतलब उनका नाम पहले प्रिंस सिद्धार्थ था, गौतम बुद्धा बाद में उनका नाम हुआ है। ही वॉज द सन ऑफ अ किंग, राजा सुदोधना। तो उनके फादर का नाम था राजा सुदोधना। He was born on the sacred day of Vaishak Purnima at Lumbini, situated near the city of Kapilvastu. तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के पास में एक सिटी है लुम्बिनी, वहाँ पर। और वैशाख पूर्णिमा के होली डे पे उनका बर्थ हुआ था। 7 डेज आफ्टर हिज बर्थ हिज मदर माया देवी पास्ड अवे। अनफॉर्चुनेटली उनकी बर्थ के 7 डेज के बाद उनकी मदर की डेथ हो गई। उनकी मदर का नाम था माया देवी, फादर का नाम था सुदोधना, उनका नाम था प्रिंस सिद्धार्थ और मम्मा का नाम था माया देवी। इट वॉज प्रोफेस्ड एट हिज बर्थ दैट द इन्फेंट वुड ग्रो टू बी ईदर अ ग्रेट चक्रवर्ती एंड एम्परर और अ सन्यासी अ रिनन्सिएट हु वुड ब्रिंग कम्फर्ट टू थाउजेंड्स ऑफ लॉस्ट सोल्स। तो ऐसा उनकी बर्थ पे, जैसे कि पुराने ज़माने में काफ़ी बिलीव किया जाता था इन सब चीज़ों में, तो लाइक प्रीस्ट्स, पंडित्स और ये सब लोग बुलाए जाते थे बर्थ होने के बाद। तो ऐसी भविष्यवाणी की गई थी, प्रोफीस्ट का मतलब भविष्यवाणी, कि जो ये बच्चा है ये इतने सैक्रेड डे पे, मतलब इतने होली डे पे बॉर्न हुआ है और ये बड़े होकर दो बड़ी चीज़ें करेगा, या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, एम्परर बनेगा, या फिर रिनन्सिएट यानी एक सन्यासी बनेगा। लेकिन जो भी ये करेगा ये बहुत सारे लोगों को सुख पहुंचाएगा, मतलब उनको कंफर्ट और उन्हें खुश करेगा। द किंग वॉज डिटर्मिन्ड टू प्रिवेंट हिज बिलवड सन फ्रॉम रिनन्सिएटिंग द वर्ल्ड। तो जो किंग थे वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने, इतने बड़े राजपाट का प्रिंस था वो, तो वो नहीं चाहते थे कि वो सन्यास का जीवन धारण करे। इसलिए उन्होंने उसे सारी वो चीज़ें दी थी जो एक प्रिंस को चाहिए, मतलब उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं था, उन्हें सब मिलता था। इवन किंग के महल में 3 महल थे, अलग अलग सीजन्स के लिए अलग अलग महल थे। तो प्रिंस सिद्धार्थ जो थे वो दुनिया से अलग अपने महलों में ही जीते थे, उन्हें कभी वहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया गया क्योंकि उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें हर चीज़ अपने घर में महल में मिलती थी। इन गुड टाइम द प्रिंस वॉज मैरिड टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल्स ऑफ द रिंग, प्रिंसेस यशोधरा, द डॉटर ऑफ कोलियन किंग। तो कुछ समय पश्चात प्रिंस सिद्धार्थ की शादी भी रचाई गई और उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर कन्या से हुई थी जिनका नाम था यशोधरा। वो कोलियन किंग की डॉटर थी, मतलब उनकी बेटी थी। सून उनके एक बच्चा भी हुआ जिनका नाम उन्होंने राहुल रखा। एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ वेंट आउट टू सी हिज किंगडम एंड टू मीट हिज सब्जेक्ट्स। तो अच्छा खासा जिंदगी जी रहे थे एक प्रिंस की तरह, और 29 यानी 29 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि वो बाहर जाते हैं और अपने सब्जेक्ट्स, मतलब अपनी प्रजा को, प्रजा से मिलने गए बाहर। ही बिहेल्ड व्हाट द बुद्धिस्ट बुक्स कॉल्ड ऑफ कॉल द 4 साइंस विटनेस टू द इम्परमियंस ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या होता है, क्योंकि जिंदगी तो सुख और हमेशा से ही हर चीज़ प्रोवाइड विदाएँ दी गई थी, तो उन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं था। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने ही सॉ एन ओल्ड मैन, अ डिजीज्ड मैन, अ डेड मैन एंड अ मंक। तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी, बुद्धिस्ट बुक्स में लिखी भी हैं, 4 साइंस टू विटनेस इम्परमियंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड परमानेंट नहीं है। इसके 4 लक्षण जो उन्होंने देखे थे वो बुद्धिस्ट बुक्स में भी आज भी लिखे हैं, जो उन्होंने 4 चीज़ें देखी थी। उन्होंने एक बूढ़ा इंसान देखा, उन्होंने एक डिजीज्ड इंसान मतलब एक बीमार इंसान देखा, एक डेड मैन देखा, डेड मतलब मरा हुआ, और एक मंक देखा, मंक मतलब साधु। एंड देयर एंटर्ड इनटू हिज हार्ट अ विजन ऑफ दुख, द वर्ल्ड सॉरो। जब उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा तब उन्हें पता चला, 29 ईयर्स की एज में उनको पता चला कि दुख होता क्या है आखिर। उससे पहले उन्होंने कभी दुख या सैडनेस अपनी लाइफ में विटनेस ही नहीं किया था।
ही आस्क्ड हिमसेल्फ रिपीटेडली व्हाट इज सॉरो. द अनआंसरेबल क्वेश्चन लेड हिम टू रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, लीव हिज वाइफ एंड सन एंड सेट आउट इन क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ ऑफ लाइफ. तो उन्होंने अपने आप से एक बार प्रश्न किया कि आखिर दुख होता क्या है, लेकिन क्योंकि कभी जिस इंसान ने इतने सालों में कभी दुख देखा ही नहीं था, उसके लिए कैसे इतना आसानी से ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करना आसान नहीं था. तो इस चीज़ का आंसर ढूंढने की कोशिश में उन्होंने अपना घर परिवार बीवी बच्चे राज सब छोड़ दिया और वो सच्चाई की खोज में निकल गए. इन क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ ऑफ लाइफ मतलब जीवन की सच्चाई की खोज में, मतलब आखिरकार सबको बूढ़ा होके मरना ही होता है. तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है उनकी खोज की, आखिरकार वो खोजने क्या निकले थे. द स्टोरी ऑफ गौतम्स क्वेस्ट दैट एंड्स इन इल्यूमिनेशन एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाना इज़ वन ऑफ द मोस्ट मूविंग टेल्स ऑफ आवर टाइम्स. तो फॉर 6 years डिड गौतम प्रैक्टिस इंटेंस एस्केटिज्म. तो 6 साल के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया था और वो अकेले रह रहे थे. 6 साल के लिए उन्होंने ये किया. फॉर सेवरल डेज इन सक्सेशन ही एट बेयरली अ ग्रेन ऑफ राइस. काफ़ी दिनों तक उन्होंने कुछ खाया भी नहीं. His strong athletic body was reduced to a bag of bones. उनकी जो strong athletic body मतलब क्योंकि वो राज में रहे थे, अच्छा खाते थे पीते थे, तो उनकी body तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी healthy थे, तंदुरुस्त थे. लेकिन क्योंकि वो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था और 6 साल से वो ऐसे अकेले रह रहे थे, तो उन्हें उनकी body अब सिर्फ एक हड्डी के ढांचे में, bag of bones मतलब हड्डी के ढांचे में बदल चुकी थी. बट इट सर्व नो पर्पस. अब इसका कुछ फ़ायदा था? उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, इससे थोड़ी उन्हें कुछ पता चल रहा था जिसकी खोज में वो थे. बुद्धा देन स्कैटर्ड अ हैंडफुल ऑफ ग्रास ऑन द ग्राउंड बीनीथ द बोधी ट्री एंड फॉर्म्ड अ सीट फॉर हिमसेल्फ. फिर उन्होंने एक बोधी ट्री के नीचे अपने हाथों से कुछ फैले हुए पत्तों को फैलाया, एक सीट जैसी आसन जैसा बनाया और उस पर बैठ गए. आई केयर नॉट इफ माई स्किन एंड नर्व्स एंड बोन्स डीके ही थॉट. तो वो काफ़ी दुखी थे और उन्होंने सोचा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा शरीर गल जाए, मेरी हड्डियाँ गल जाएँ, मैं मर जाऊँ. आई केयर नॉट इफ़ माई लाइफ ब्लड ड्राइज, आई शैल नॉट गिव अप अंटिल आई अटेन एनलाइटनमेंट. तो वो जिस सच की खोज में थे उसमें वो एक गलती कर रहे थे, वो अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे थे. लेकिन अंत में उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये करने से उन्हें अपना आंसर नहीं मिल रहा है. What divine willpower in these words? And what may not a man achieve if he would wake up his willpower? तो उन्हें लगा कि मैं अपनी सहन शक्ति बढ़ाऊँगा तो मेरे को अपना आंसर ज़रूर मिलेगा. ये बात सच है कि अगर हम अपनी सहन शक्ति बढ़ाते हैं, अपनी जो हम सोचते हैं वो हम कर लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है. लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं कर रही थी. It is said that he saw a vision which contained a message for him. It acted as a spiritual stimulant to him. द वर्ड्स वर्ड ये सब करते करते ऐसा बोला जाता है कि उन्हें एक राह दिखी थी भगवान ने या जिसने भी उनको राह दिखाई थी और उन्हें कुछ वर्ड्स सुनने थे. वो वर्ड्स थे, ट्यून द सितार नीदर लो नॉर हाई, द स्ट्रिंग ओवर स्ट्रेच्ड ब्रेक्स एंड द म्यूजिक डाइज, द स्ट्रिंग ओवर स्लैक इज डम एंड द म्यूजिक डाइज. तो अगर हम एक सितार की बात करें या फिर हम एक गिटार की बात करें, तो हमने देखा होगा कैसे बजते हैं, इनकी स्ट्रिंग्स होते हैं ना, उनको हम एडजस्ट करते हैं टाइट या फिर लूज़ अपनी म्यूज़िक के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो अगर हम उसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि वो स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, तो क्या होगा, जब हम उसको बजाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगी और म्यूज़िक ख़त्म हो जाएगा, फिर बजा ही नहीं पाएगा वो इंस्ट्रूमेंट. और अगर हम उसे बहुत लूज़ छोड़ देंगे तो भी म्यूज़िक नहीं बजेगा. सेम चीज़ वो ये बताना चाह रहे थे. आई टू हैव टॉर्चर्ड माई बॉडी टू स्टारवेशन, आई हैव टेकन टू एक्सट्रीम्स, लेट मी फॉलो द मिडिल पाथ. तो इसका ये मतलब था कि एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब कोई भी चीज़ अधिकतम अच्छी नहीं होती है, हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए. हम कुछ ज़्यादा करेंगे तो वो कभी हमें फ़ायदेमंद नहीं होगा, हम कुछ बहुत कम करेंगे वो भी फ़ायदेमंद नहीं होगा, हमें चीज़ों में बैलेंस रखना चाहिए. तो ये चीज़ बुद्धा को समझ आई और उन्होंने सोचा कि मैंने अपनी बॉडी को खाना ना खा के कमज़ोर बना लिया है, इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मुझे कुछ बीच का रास्ता देखना चाहिए. When he tried to get up to take a bath in the river,
ही फाउंड दैट ही हैड बिकम सो वीक दैट ही कुड नॉट राइज. जब उन्होंने सोचा कि चलो अब नहाने चलते हैं, तो उन्होंने एक पास ही में झील में नहाने जाने की कोशिश करी, तो वो बैठ के उठ भी नहीं पा रहे थे, उनकी बॉडी में उनके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं थी. जस्ट देन अ ब्यूटिफुल गर्ल नेम सुजाता अपीयर्ड बिफोर हिम कैरिंग अ गोल्डन बोल फिल्ड विद स्वीटेंड मिल्क एंड राइस. उसी समय उसी क्षण एक सुजाता नाम की सुंदर सी लड़की उनके सामने प्रकट हुई और उसके हाथ में एक गोल्डन बोल मतलब एक कटोरी थी सोने की जिसमें स्वीटेंड मिल्क एंड राइस था, जिसमें खीर थी. When she saw the weakened ascetic, she offered the bowl at his feet. जब उन्होंने देखा कि ये वीक है, इतने वीक प्राणी को देखा उन्होंने, तो उन्होंने वो पूरी कटोरी उनके पैरों में चरणों में स्थापित कर दी. लॉर्ड प्लीज़ एक्सेप्ट माई ऑफरिंग ऑफ मिल्क एंड राइस. और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप इसको स्वीकार करिए. बुद्धा एक्सेप्टेड हर ऑफरिंग और बुद्धा ने वो स्वीकार किया. दिस वॉज हिज फर्स्ट मील आफ्टर मैनी डेज ऑफ स्टारवेशन. और वो काफ़ी स्टारवेशन मतलब भूखा रहना, तो काफ़ी दिनों के भूखे रहने के बाद उनकी वो पहली मील मतलब पहला खाना, पहला अन्न का दाना उनके मुंह में गया. इट रिफ्रेश्ड हिम एंड इन्फ्यूज्ड हिम न्यू स्ट्रेंथ इन हिम. तो उससे उन्हें काफ़ी शक्ति मिली एकदम से और उनके अंदर नई ऊर्जा आई. ही रियलाइज दैट मेकिंग द बॉडी सफ़र वॉज नॉट द वे टू एनलाइटनमेंट एंड ट्रुथ. और उन्हें ये चीज़ समझ आई कि अपनी बॉडी को नुकसान पहुँचाने से, अपने शरीर को नुकसान पहुँचाने से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है. तो यहाँ पर हमें एक लेसन और मिलता है कि अगर हम अपनी बॉडी को टॉर्चर करते हैं, अगर हम खुद को टॉर्चर करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी ज़िद पूरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है. अपने आप को नुकसान पहुँचा कर आप अपना ही नुकसान करते हैं. तो हमेशा जो भी मम्मा पापा देते हैं वो सब खाते रहना चाहिए. हेल्दी फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, मना नहीं करना चाहिए. लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी. गौतम हैड लॉन्ग्ड फॉर एनलाइटनमेंट. द नाइट ही फाउंड द आंसर टू हिज क्वेरी व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सॉरो. तो वो क्योंकि उन्होंने कभी दुख नहीं देखा था, तो वो किस चीज़ की खोज में निकले थे? वो इसी चीज़ की खोज में निकले थे कि लोगों को इतना दुख, इतना कष्ट क्यों पहुँचता है आखिर. और उस रात उन्हें उस चीज़ का आंसर भी मिला. द कॉज ऑफ सोरो इज़ डिज़ायर. द क्योर फॉर सोरो इज़ टू गिव अप ऑल द डिज़ायर्स एंड अडॉप्ट राइट लिविंग. तो दुख का रीज़न क्या होता है? हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम कोई चीज़ चाहते हैं और हमें जब वो नहीं मिलती है तब हम दुखी हो जाते हैं. तो डिज़ायर मतलब चाह. अगर आपके मन में चाह होगी तो आपको अगर वो नहीं मिलेगा तो आप दुखी होगे. तो सबसे बेस्ट बात क्या है कि किसी चीज़ की चाह मत रखो और ज़िंदगी को सही तरीके से जियो. अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर चाह नहीं होगी तो जब आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि वो आपको उस चीज़ की चाह नहीं थी और फिर वो आपको मिल रहा है, तो आप उसको देख के काफ़ी खुश होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको चॉकलेट्स चाहिए, आप मांग रहे हो अपने पेरेंट्स से चॉकलेट्स और वो आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप रोओगे, दुखी हो जाओगे कि हमें नहीं दिला रहे चॉकलेट्स. लेकिन अगर आप नहीं मांगते हो, आपके मन में ऐसी कोई भावना ही नहीं है चॉकलेट्स वाली, और फिर भी आपके पेरेंट्स आपको ला के चॉकलेट देते हैं, तो आप कितने खुश हो जाओगे. तो वही वाली चीज़ है. किसी चीज़ को सोचो मत कि मुझे ये चाहिए. अपने आप जब वो मिलेगी ना आपको, तो आपको अलग ही खुशी होगी. बॉर्न अंडर अ ट्री द बुद्धा रिसीव्ड इल्यूमिनेशन ऑल्सो अंडर अ ट्री. टू दिस डे वी वेनरेट दिस ट्री एज द बोधी ट्री. तो इसी पेड़ के नीचे बैठ के उनको इस चीज़ का आंसर मिला था. इतने दिनों की तपस्या करी थी उन्होंने, 6 साल अपना घर छोड़ के, अपने परिवार वालों से दूर, खाना पीना नहीं खाया था, सिर्फ इस चीज़ को ढूंढने के लिए कि आखिर दुख का कारण क्या है, और उन्हें वो मिल गया था. तो इसीलिए उस पेड़ को भी हम आज तक बोधी ट्री के नाम से जानते हैं, और वहीं पर उनको एनलाइटनमेंट मिला था, तो इसलिए उनका नाम सिद्धार्थ से बुद्धा भी हो गया था, गौतम बुद्ध. और आज हम उसको एज अ रिलीजन भी फॉलो करते हैं और उनकी बुक्स को भी हम पढ़ते हैं.